देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा, यात्री ट्रेनें स्थगित, कोई स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना नहीं, रेलवे ने किया साफ, ना दे किसी अफवाह पर ध्यान। देश में लॉकडाउन बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है और इसके बढ़ने के बाद सभी यात्री ट्रेनें और उड़ान सेवाएं 3 मई तक स्थगित कर दी गई हैं। लेकिन मुंबई में भीड़ इकट्ठा होने के बाद कई तरह की अफवाह फैलने को लेकर रेलवे ने मंगलवार रात एक बार फिर साफ कर दिया कि पूरे देश में 3 मई 2020 तक यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और लोगों की भीड़ को हटाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की कोई योजना नहीं है। रेल मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए संदेश में ये भी कहा गया है कि इस संबंध में गलत जानकारी न फैलने दें। सूत्रों की माने तो लॉकडाउन बढ़ने से यात्री ट्रेनों के स्थगित रहने के कारण रेलवे को 15 अप्रैल और 3 मई के बीच की यात्रा के लिए बुक किए गए करीब 39 लाख टिकट रद्द करना होगा। दरअसल रेलवे ने 21 दिवसीय लॉकडाउन के खत्म होने पर 14 अप्रैल के बाद टिकट बुकिंग की अनुमति दे रखी थी। ऐसे में ट्रेनों का चलना शुरू होने की उम्मीद में 39 लाख टिकट बुक हो गए। हालांकि रेलवे ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 की वजह से किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर जारी उपायों के क्रम में भारतीय रेल के सभी यात्री रेल सेवाओं को 3 मई 2020 तक रद्द रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए माल और पार्सल गाड़ियों का परिचालन जारी रहेगा। अगले आदेश तक किसी प्रकार के टिकटों की कोई भी बुकिंग नहीं की जाएगी। पहले बुक की जा चुकी टिकटों को रद्द करने के लिए ऑनलाइन सुविधा जारी रहेगी। बयान में ये भी कहा गया कि रद्द की गई रेलगाड़ियों के लिए पहले से आरक्षित टिकटों का पूरा रिफंड मिलेगा। बयान के मुताबिक यूटीएस और पीआरएस सहित सभी टिकट बुकिंग काउंटरों की सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित रहेंगी। रेलवे ने कहा कि 3 मई तक रद्द की गई ट्रेनों की ऑनलाइन टिकट लेने वाले लोगों के पैसे खुद ब खुद वापस आ जाएंगे और काउंटर से टिकट लेने वाले लोग 31 जुलाई तक अपने पैसे वापस ले सकते हैं। वहीं नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने के कई कारण थे। उन्होंने कहा, इसके बाद हम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी हटाने पर विचार कर सकते हैं। जिन लोगों को यात्रा करने की जरूरत है, मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूं। उनसे अनुरोध है कि हमारा साथ दे। बता दें कि संपूर्ण भारत में 3 मई तक लॉकडाउन है और ऐसे में कोई अफवाह फैलाकर गुमराह ना करे, इस बात से आप सभी को सतर्क रहना है। बार बार रेलवे और सरकार इस बात से सतर्क कर रही है कि कोई भी अभी स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना नहीं है। फिलहाल आप सबको घर में रहना है, क्योंकि जब आप घर में रहेंगे तभी कोरोना से बच पाएंगे। तो आप सभी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अफवाहों से बचिए।